मुख्यमंत्री की पत्नी जो है वो उनको जो पेंशन का जुगाड़ किया जा रहा है सीएम द्वारा, क्या कहेंगे सर? हाँ जी बिल्कुल, देखो ये हिंदुस्तान में क्या मैं बोलता हूँ कि एक अलग ही प्रथा चला दी है कांग्रेस ने, अपना परिवारवाद तो पहले से उसमें फेमस है परिवारवाद में, ठीक है, और ये अब हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री ने भी ये परिवारवाद चला दिया। कहीं ऐसा नहीं होता है कि मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को खड़ा करे। 80,000 वोटर्स हमारे, उसमें कांग्रेस के भी कार्यकर्ता है, कांग्रेस को भी 19,000 वोट मिले पिछली बार, और डॉक्टर राजेश शर्मा जिसने बहुत मेहनत की थी, जिसने कांग्रेस को 8,000 से 18-19,000 पे पहुँचाया, उसको दे देते हैं टिकट। वो दावेदार था, वो पिछले प्रत्याशी था, अच्छा मजबूत कैंडिडेट था, इनको अपनी पत्नी को लाने की क्या आवश्यकता थी? तो ये तो वही जुगाड़ है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो अगली कुर्सी तेरी, ये वो जुगाड़ है, पेंशन का जुगाड़ है, तनख्वाह का जुगाड़ है। तो भाई ये तो जनता मेरी बड़ी समझदार है, जनता ने जवाब देना है इलेक्शनों में। दूसरी बात कि इलेक्शन आप लड़ने आए हो तो भाई साहब हाथ जोड़ के वोट मांगो, डरा के वोट मत मांगो। आपने अब इतने लोगों को प्रताड़ित कर चुके आप, देहराम को आपने बिहार बना दिया है इस वक्त, हर किसी को डरा डरा के आपने इतना कर दिया कि आप ही का नुकसान हो रहा है। आपने नंदपुर की और लुधरेड़ की पानी बंद कर दिया आपने लोगों का, 15 दिन हो गए, चंद्र एक 3 फुट के ऊपर चंद्र कुमार की कॉन्स्टिट्यूंसी है मंत्री की, वहाँ लोगों को पानी मिल रहा है, और यहाँ पर नंदपुर के और लुधरेड़ के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। आपने यहाँ के सारे पानी की स्कीमें आपने बंद कर दी है, पानी लोगों से क्या दुश्मनी, पानी तो एक मूल सुविधा है, आप पानी बंद कर दे रहे हो लोगों का, ये बहुत गलत प्रथा आपने शुरू की है। और मुख्यमंत्री जी आप पूरे हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, आप देहरा के तो आपने तो देहरा के मुख्यमंत्री आप है ही नहीं, क्योंकि देहरा को 15 महीने में आपने अगर किसी गरीब की मदद की है तो कल उसका वाइट पेपर लाओ और छाप के बताओ कि आपने देहरा में कितने लोगों की मदद की है, आपने अपनी रात को उससे कितने गरीबों को शादी के लिए पैसे दिए, मेडिकल एड दी, कल आप उसकी डिटेल दो। बड़े मुश्किल से जो मेरे पास रिकॉर्ड है 15 है, 15 तो आपने कितनी आपको रात कोष में आपके पास पैसा आया, और उस पैसे से आपने देहरा को कितना शेयर दिया आप बताओ, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में आपने देहरा को कितना पैसा दिया वो बताओ जनता को, जनता समझदार है, जनता जान जाएगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर।